बंदे मातरम, मैं हरिंदर सिंह परमार आप लोगों का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपको जानकारी होगी पहले से ही कि हम लोग जब भी पेपर होते हैं एसएससी जीडी के, आर्मी के या किसी भी फील्ड में, तब हम लोग विश्लेषण करते हैं फाइनली, और हम लोग ये देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज हम लोग, मैं हूँ अंकित यादव के साथ में, जो अभी एसएससी जीडी का पेपर देकर आए हैं, और इनसे हम वो अनुभव प्राप्त करेंगे जो ये वहाँ पर लेके आए हैं। और इनसे अच्छा मुझे लगता है कि जो छात्र होते हैं उनको खुद अनुमानित पता चल जाता है कि मेरिट कितने की जाएगी। तो पहले तो मुझे अंकित तुम ये बताओ, पेपर कैसा आया था भाई? पेपर सर सही पेपर था, थोड़ा रीजनिंग जो थी टफ थी बस, और कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ नहीं तो मैंने आप ही मुझसे बता रहे थे कि जो रीजनिंग थी उसमें लगभग 2-2.5 मिनट लिए। हाँ, तो हाँ, समय रीजनिंग ने बहुत ज़्यादा खाया। हाँ, समय रीजनिंग ने ज़्यादा खाया। तो पहला तो ये है कि अगर रीजनिंग ने समय खाया है तो ये तो तुलना है। आपको पता है कि बंदे रीजनिंग के भरोसे भोजना रहते हैं तो मेरिट थोड़ी सी गिरेगी। इसका असर तो पड़ेगा मेरिट पे। हाँ, नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि हाँ, प्रत्येक बच्चा जो है वो 25 के करीब रीजनिंग में अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता है। अच्छा। और वही बंदा जो है 17 के करीब अटेम्प्ट कर पाया है रीजनिंग में। अच्छा अच्छा। और बाद बाकी हिंदी अच्छी थी, मैथ अच्छी थी, और जीएस थोड़ी टफ थी। अच्छा। हाँ जी, जो एसएससीडी का एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही उत्साहपूर्ण एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल भी आता है, और जिसने तैयारी नहीं करी उसके लिए बहुत कठिन भी लगता है। तो आपको क्या लगता है मेरिट की संभावना क्या है लगभग? मेरिट सर 70 से 80 के लगभग जाएगी, 80 अबव नहीं जाएगी मेरिट। अच्छा। हाँ, बी एस इसमें जो भर्तियाँ होती हैं वो कैटेगरी वाइज होती हैं, जैसे आपको बीएसएफ की भर्ती अलग से लेंगे वो लोग, तो इसमें जो बीएसएफ का जो मेरिट है वो लगभग कम जाता है? नहीं, हाँ, बीएसएफ का मेरिट जो है हो सकता है कि 70 से नीचे ही जा सकता है, लेकिन कंफर्म जो है वो 70 ही जाएगा। अच्छा, अभी इस बार पहली बार माइनस मार्किंग जोड़ा हुआ है ये कैलकुलेशन, तो इसका असर पड़ेगा? हाँ, इसका असर तो बहुत पड़ेगा सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले लड़के थे जो 100 में 95-99 जैसा समय मिलता था उसके हिसाब से अटेम्प्ट कर देते थे। मैं आपसे ही बोल देता हूँ कि मान लो माइनस मार्किंग नहीं होता तो आपके लगभग कितना आपको फायदा मिलता उस चीज़ का? लगभग 7 नंबर का। 7 नंबर? हाँ, 7-8 नंबर। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अभी जो बंदे एवरेज नंबर बता रहे हैं, मैं इससे पूछूंगा अभी कि अगर माइनस मार्किंग नहीं होता तो मान लो कोई बंदा 80 नंबर का करके आया है, अगर वो तुक्का भी लगाता तो उसके 7-8 नंबर बढ़ सकते थे, यानी कि वो 90-80-89 के आसपास पहुंच सकता था। और इसमें जस्ट उल्टा होगा, जिसने तुक्का लगाया होगा वो इतनी नंबर वापस भी आएगा, यानी कि जो 80 का करके आया होगा तुक्का में वो वापस पिछड़ के 71-72 के आसपास आ जाएगा। यही कैलकुलेशन रहेगा ना? तो कई बंदे सोच रहे थे कि इस बार वैकेंसी कम है, लड़के जाना है तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वैकेंसी कम है तो मेरिट तो थोड़ी ज़्यादा जाना स्वाभाविक है, लेकिन 70 से जो है एवो भी जाएगी, 70 से मतलब नीचे। माइनस मार्किंग ने पूरा, माइनस मार्किंग ने जो है माहौल थोड़ा बिगाड़ दिया है। माहौल बिगाड़ दिया है। अच्छा, आप जिस क्लास में बैठे थे वहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा था, बंदों को क्या अनुभव थे, क्या बातें क्या कर रहे थे आपस में? बातें क्या, जो बाहर निकले थे तो बंदे यही कह रहे थे कि किसी ने 75 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 80 अटेम्प्ट किए, किसी ने 70 अटेम्प्ट किए, यानी कि उसके मतलब जो 85 से अबव किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए हमारे। हाँ, बैच में अभी जिनके एग्ज़ाम हैं, अभी 15 दिन से कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी जो 15 दिन और रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, उनको मतलब अभी से सजग कैसे करना चाहोगे कि वो ऐसी कुछ गलतियाँ ना करें जो आपने करी हो या जो और भी बंदे कर रहे हो, या फिर जिस हिसाब से पेपर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है? उसको हैंडल ऐसे करना है सर कि हमारे हिसाब से जो रीजनिंग का टफ लेवल आया था उसके हिसाब से जो है रीजनिंग को सबसे लास्ट में करें बंदे, कोई भी हो, सबसे पहले हिंदी है, हिंदी के बाद में जीएस जैसी जिसको आती हो वो करें, मैथ अटेम्प्ट करें, मैथ के बाद में रीजनिंग करें, क्योंकि रीजनिंग का लेवल जो है वो क्वेश्चन को बड़ा करके दे रहे हैं और उसमें ये नहीं दे रहे हैं, टफ नहीं है रीजनिंग, टफ नहीं है लेकिन बड़ा लेवल है रीजनिंग का, क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं, समय ले रहा है। अभी तक मैंने जितनी बंदों से सुना है तो वो बोल रहा है करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और ये करंट अफेयर्स का एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, करंट अफेयर्स का कारण भी है, करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपको अपने वातावरण का कितना नॉलेज है, परिवेश का कितना नॉलेज है, तो इसमें भी करंट अफेयर्स आया था क्या? हाँ, करंट अफेयर के थे 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी करंट अफेयर था वो 2020 का था। अच्छा। हाँ, 21 का नहीं आया, लेकिन वो स्वाभाविक है उनका पूछना, थोड़ा पीछे की करंट पूछ रहे हैं, करंट के वो विविध के हिसाब से पूछ रहे हैं, करंट नहीं पूछ रहे हैं ये समझो। आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, और मेरे साथ थे अंकित यादव जो हरदोई से हैं, जो झांसी में तैयारी कर रहे हैं और बुंदेलखंड एकेडमी की फिजिकल छात्र हैं। अब मैं आपको जानकारी देना, अच्छा एक चीज़ बताओ, फाइनली अगर हम लोग एवरेज निकालें मेरिट का तो लगभग कितनी संभावना रहेगी जो फाइनली एवरेज, अगर फाइनली एवरेज रहे तो क्या नाम इसका CISF की मेरिट जो है, CISF क्या किसी की भी अगर समझें, VSF की ले लें तो VSF की 70 से नीचे ही जाएगी, 70 से अब जाने के कम चांस हैं। जो हम लोगों ने वो निकाला है एनालिसिस सब लोगों ने, तो उसमें
ये वाली भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, इसका मैंने अनुभव सुन लिया है, ऐसे बहुत सारे बंदों का मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे बहुत सारी बातें करी हैं, तो फाइनली जो निचोड़ होता है एवरेज वो 75 प्लस माइनस है, यानी कि 75 प्लस 78 75 के ये अपना मुख्य जो एवरेज है, यानी कि CISF में अगर बंदा सिलेक्शन होगा तो उसको 78 से प्लस में नंबर 78 से प्लस में नंबर लाने पड़ेंगे, 80 के आसपास नंबर लाने, तो CISF की मेरिट यहाँ से बनेगी। बकाया मुझे लगता है इसमें 70 भी नंबर हैं आपके, 68 भी नंबर हैं, यानी 65 तक भी अगर आप आए हैं तो फिजिकल में जाने के चांसेस हैं आपको। फिर बाद में अगर जिस हिसाब से बंदे हाइट में भी निकलते हैं, आपको पता है मेडिकल में भी निकलते हैं, कई बंदे एग्जाम देने नहीं जाते हैं, बहुत सारे जो स्टेज होती हैं उसमें बंदे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, रनिंग में फेल हो जाते हैं, फिजिकल में बाहर निकल जाते हैं, तो उस हिसाब से बंदों को रखेंगे। मुझे लगता है कि 65 वाला बंदा भी फिजिकल देने जा सकता है क्या? हाँ, 65 एवव वाला जा सकता है। अच्छा, 65 वाला बंदा फिजिकल देने जा सकता है, तो ये तो बहुत एक शुभकामना है आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि लड़कियों की मेरिट हो सकता है कि 60 के आसपास भी आ सकती है, अगर BSF में अगर लड़की जो रिजर्व रहती हैं तो उसमें 60 के आसपास भी लड़कियों को BSF के लिए बुलाया सकता है। बकाया तो 65 के प्लस में सर नंबर लाना अनिवार्य ही है आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं जो मुझे देख रहे हैं, जुड़े रहिए बुंदेलखंड अकेडमी से, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ऐसी जानकारी हम लोग आप लोगों को बराबर देते रहेंगे। जय हिंद।